I would like to invite our group vice chancellor, Professor Dr. Satish Kumar Sharma sir, to give a मतलब डायनामिक है विजनरी भी है विजनरी है डायनामिक है विजनरी और एडमिनिस्ट्रेशन उनका गजब का है ये तीन क्वालिटीज बहुत ही हैं इंपॉर्टेंट इस अकेले यंग डायनामिक लीडर ऑफ द लोकल यूनिवर्सिटी विद द विजन प्रोफेसर डॉक्टर राकेश दत्त वेदी जी मैं स्वयं को आज भी युवा मानती हूँ
जब मैंने फौज ज्वाइन की थी और साथ साथ में भी उन्होंने जो विचार रखे, उठो जागो और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर लगे रहो जब तक उसे प्राप्त न कर लो, क्या ये नहीं भटेता आज भी हमें ऊर्जा से भर देता है? वो व्यक्ति जो सिर्फ 40 साल भी नहीं जी पाए, उनके विचार आज तक साथ रखे। अशफाक उल्ला खान की अगर हम बात करें, भगत सिंह की अगर हम बात करें, तो कितने समय तक उनके जीवन रहा इस धरती पर? 23 साल तक सिर्फ। और आज भी उनकी याद हमारे लोगों में जो देशभक्ति का जोश और जुनून भर देने के लिए काफी है। इसी तरह से भारत की प्रेसिडेंसी बेशक 1 साल की है, लेकिन पूरे विश्व में वो लेगेसी छोड़ देने के लिए काफी है, जिससे इस दुनिया के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियों का हल न सिर्फ आज, न सिर्फ इस 1 साल में, बल्कि निरंतर मिलता रहेगा। इसलिए इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है और इसलिए आज इसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया जा रहा है पब्लिक एक्सपेंडिचर के द्वारा भी, ताकि ये समिट, ये विचार, ये कॉन्सेप्ट, ये सॉल्यूशंस सिर्फ दिल्ली में सीमित न रह जाए, बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो। उत्तर प्रदेश में 11 समिट्स ली गई है, इससे भी हम आएंगे कि उत्तर प्रदेश की कितनी इंपॉर्टेंस थी। उत्तर प्रदेश में 11 समिट्स होंगी G20 से रिलेटेड। आज भी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, जिसमें कि G20 नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स की वहां पे बहुत बड़ी रीड आज के दिन और अगले 2 दिनों में रखी जाएगी। उसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक वीटो इम्पास है, क्योंकि दुनिया खेतों में बटी हुई है। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, तो वहां पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसको वीटो कर देते हैं। और लिहाजा यूनाइटेड नेशंस दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम नहीं रहा है। दैट हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम्स। ओके, लेकिन केवल यूनाइटेड नेशंस ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस सबसे बड़ा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से चला आ रहा है, पर उसके अलावा छोटे छोटे मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं पूरी दुनिया में। कुछ का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कुछ ग्रुपिंग्स है, जैसे G7 आप सुनते होंगे, जो एक ऐसा ग्रुपिंग है दुनिया के इंडस्ट्रियलाइज्ड जो 7 कंट्रीज है, ये G7 का हिस्सा है। ऑफकोर्स इसमें US है, इसमें UK है, जापान है, इसमें फ्रांस है, इटली है, और 2014 के पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था। ठीक है, 2014 में एक घटना हुई थी दुनिया में, उसको कहते हैं कि क्राइमिया का एनेक्सेशन, यूक्रेन का हिस्सा था जिसको रशिया ने बलपूर्वक अपने में मिला लिया था, और उसके बाद से एक तरह से पनिश करने के लिए रशिया को G8 से हटा दिया गया, तब से G7 नाम है। तो खैर, इस तरह से करके तमाम ग्रुपिंग्स हैं। एक G77 ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी क्यों। क्योंकि G77 यूनाइटेड नेशंस के उन देशों का समूह है जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जो डेवलपिंग हैं, और जिन जो अपनी प्रॉब्लम्स को लॉबिंग करने के लिए एक साथ मिलकर उस पर चर्चा करते हैं, वो भी G77 है। अब इन सारे ग्रुपिंग्स का जो लैंडस्केप है, इसमें आती है G20। और G20 में क्या खास बात है? इज इट जस्ट अ नंबर? Why is G20 G20 and not G21? Will that G20 ever change to G21 or G22? So you know those type of things. देखिए ऐसा है, एक बार 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 कही जाती है, अच्छा अभी तक आप लोगों को याद हो रही होगी कि G20 बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्रुप बनाई गई है। लेकिन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? बेसिकली ये उस तरह की 1997 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस कहाँ से आ रही है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है जो बैंकिंग सेक्टर में जो कैपिटल एडिक्वेसी ना होने की वजह से, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में रेजिलियंस ना होने की वजह से जो टम्बल डाउन इफेक्ट आता है, मतलब बैंकिंग क्राइसिस की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। तो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, उस वक्त ये सोचा गया G7 के द्वारा कि हमारे को जरूरत है एक ऐसी ग्रुपिंग की, एक ऐसी स्पेशलाइज ग्रुपिंग की जो केवल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर काम करे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को टैकल करे। और तब फिर G7 जो G20 के जो देश हैं, मतलब उस समय सारे नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं, बहरहाल वो फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल पर आए और इस पर उन्होंने चर्चा करी कि भाई हम इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के इम्पैक्ट को कम कैसे करें।